nigga got it back cause I'm brown. So hello guys, welcome back to the new vlog. और आज हम फिर से फ्लैट पे आए हैं। आज हमें फिटिंग करनी है नलों की, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें वो लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी वॉशिंग मशीन आएगी, यहाँ पे सारा जैसे वो निकली और उस वाले बालकनी में भी चाहिए वाटर आउटलेट, तो वो बाकी टाइल सारी उछली, किचन ही से रेडी और बेडी की अलमारी भी रेडी हो गई है। उसके साइड में जो आप सीमेंट के देख रहे हैं, हाँ ये भी लग चुके हैं, तो भी पैक हो जाएगा, फिर से ऊपर पुट्टी हो जाएगी, फिर बढ़िया इस पर पेंट वेंट हो जाएगा, एक दो दिन में पेंट का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बीच में मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि समझ सकते हो आप क्यों नहीं दिखा सकता, क्या उन्होंने मना किया है कि जी हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइल्स में अभी आपको किचन भी दिखा देता हूँ, बढ़िया होगी। सो गाइस, दिस इज व्हाट द किचन लुक्स लाइक। एक पार्टीशन यहाँ, दो या मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, पर लेकिन ऐसा है क्योंकि जिस हम किचन बनवा रहे हैं उसने बोला था कि आपको ऐसा चाहिए। एक ये कॉर्नर है, तो ये भी बड़ा ही क्या बोलते हैं स्मार्ट मैकेनिज्म टाइप लगेगा यहाँ इधर एक, और ये तो यहाँ पे तो डस्टबिन वगैरह आएगा, और ये कितना एरिया है पूरा, और ऊपर की टाइल्स एवरीथिंग इज डन। वो जो वाइट वाइट इनके बीच में लगता है वो भी सारा सामान लग चुका है, और ये तो आपने देख ही लिया, और दिस इज ऑल्सो डन। तो अब हम यहाँ पे आराम से हल्के हो सकते हैं, और यहाँ पे भी सारी जो वाइट ग्रॉटिंग जो इसको बोलते हैं वो भी सारा सामान यहाँ पे हो गया है। नीचे की ग्रेनाइट की पूरी पूरी की पूरी पट्टी लग गई है नीचे ग्रेनाइट की, अभी इसे फिक्स करना है, और जो ये है इसको फिक्स करना है। तो भी आज मैं रेडी और जुगल अंकल करेंगे, जुगल अंकल ने उसमें वो कर दिया, उसके अंदर छुट्टी होगी अंदर, फिर उसके बाद में कलरिंग वलरिंग दो वो सब दे दी है। चलिए लेट्स स्टार्ट, अभी फिलहाल समोसे खाए जा रहे हैं थोड़े बहुत, तो जैसे ही उनका खाना पीना हो जाता है देन वी विल स्टार्ट दी प्रोसेस। वैसे भी हम एक बहुत खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं, मैं बाहर की दोनों कूक लगा दी, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इसकी फ्लश में पानी नहीं आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, वही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें पानी आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है। लेट्स सी, आया गया, आया आया, थोड़ा सा आया, आया फिर बंद हो गया, हाँ आया बंद हो गया, अब आ रहा है पूरा, ये अब आ रहा है मस्त पिछड़ा सादे में कचरा जमा अभी इतने दिन से बंद थे, इसी वजह से गंदा हो गया ना इतना, ये भी सारे टाइट करवाने पड़ेंगे भी डिगे डिगे। वैसे मैं भी अभी दिखाता हूँ कि कोक कैसी, मतलब हमने लगा तो दी सुबह, बहुत ही मस्त ट्रेजेडी हुई थी। उसमें क्या हुआ था, जो ये देख रहे हो ना आप, तो बड़ा ये प्लास्टिक वाला ये जो है, तो ये स्टॉपर लगा हुआ था यहाँ पे क्योंकि तब तक कोक नहीं लगी थी। तो क्या हुआ, जो काम कर रहे थे ना वो ये वाइट वाइट भर रहे थे, ग्राउटिंग भर रहे थे इसके अंदर, तो वो भरते भरते और वो टूट गया, फिर सारा पानी नीचे, लगभग 10 मिनट तक पानी चला था, फिर उसके बाद किसी तरह यहाँ पे खोल के इसको, और अभी सामने कोक दिख रहे हो ब्लू वाली, ये बंद की तब जाके पानी बंद हुआ। तो फिलहाल यहाँ की कोक लग गई है, गाइस यहाँ की जो कोक थी उसके अंदर कोक है, इस पाइप के पीछे है वो कोक, पर दिक्कत ये जो ब्लू वाला पार्ट था ना पिछली वाली में वो टूटा हुआ है उसका, तो हमें इसको ऐसे लगाना पड़ा इसलिए गीला हो गया, प्रेशर बढ़िया है। सो ये सारा सामान हो चुका है, जो गलंग का जो पार्टीशन है उसके पीछे जो खड्डे थे वहां पर सीमेंट भर रहे हैं। और जो गलंग कल मजा आ रहे कल वाला तो यार देख लिया मैंने वीडियो, देखा परसों अच्छा अच्छा कल आया था मेरे को फोन में। तो देखो जैसे ये है ना, ये बार बार निकला हुआ, तो अभी इसके अंदर ऐसे सीमेंट भर जाएगी फिर पैक हो जाएगा बढ़िया। रेस गाड़ी निकाल रही, रेस गाड़ी हाँ।
अभी नले भी लगानी है इसमें, सारे बोर्ड वगैरह भी फिट करने हैं, तो ये मोस्टली हम काम आज कर लेंगे। और थोड़ी साफ सफाई करनी है क्योंकि फिर अब इसमें फिर कलरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो फिर साफ सुथरा होना चाहिए, तो आज पूरी साफ सफाई करनी पड़ेगी। बोलो, वैसे भी हम जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक मिशन पर, हमें लेके आने हैं वॉशर और स्कूटी, आज लाए नहीं। अच्छा, तो यार मेरे को गाड़ी चलाने में लगी बढ़िया, तो अभी हम जा रहे हैं वॉशर लेके आएंगे ये वाला, अभी मैंने आपको दिखाया था ना एक सेकंड, अरे ये वॉशर नहीं है तो कुछ और, ये देखो फोकस हो, हाँ ये वाला, तो भी ये लेके आना है। हमारी लिफ्ट जा चुकी है 01। थैंक यू फॉर ड्राइविंग कॉम्प्लीमेंट्स गाइस। अभी प्रॉब्लम ये है कि वॉशर मिल नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो है इतनी छोटी सी चीज़, वो भाई दिख ही नहीं रहा, सीट पे ही तो नहीं गिरा हुआ कहीं, अबे मेरी पॉकेट में ही तो नहीं है, मेरे को ऐसा लगा था कि गिरा हुआ, एक बार सच में गिरा भी है कि नहीं वो पता नहीं, पॉकेट में तो नहीं है, मतलब वो गिर गया। चलो ऐसे ही जाके पूछते हैं, मिल जाए तो ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि वॉशर तो मेरे को मिला नहीं, तो मेरे को एक ये ब्लैक वाले मिले जो कि मेरे को लग रहा है यही है, पर लेकिन एक उसने ये भी दिए बोला ये भी लगते हैं, तो मैं दोनों लेके जा रहा हूँ, जो उनसे लगेगा वो लगा लेंगे। तो गाइज नाउ वी आर गोइंग बैक अगेन, क्योंकि अब ये जो सामान है इसका, एक ये वाला वॉशर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन भी लेके आने हैं, तो वापस से गाड़ी निकलेगी। वॉचमैन सोचेगा भाई कितना मार जाते हो, हो सकता है चिल्ला ही दे मेरे पे, कोई बात नहीं सह लेंगे, थोड़ा फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर्ड है तो सह लेंगे थोड़ा, क्यों ऐसे वो करते हैं ना, एक तो मस्त लग रहा है, सह लेंगे थोड़ा कोई बात नहीं, एक दो तीन उनको साफ भी करना है अभी, थम्स अप वगैरह से तब अच्छी चमकेगी, और मेरी सारी उंगली में कट भी लग गया इसकी वजह से, कोई बात नहीं। हाँ, ये चलो लेके आता हूँ, फिर मिलते हैं इस बार पूरा गाड़ी वाला सीन आपको, फिर बोर लगने लगेगा तो पूरी गाड़ी, चलो लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे जब इसको लगाएंगे। सो गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी सोसाइटी के बारे में कि सामने इतने मिरर लगे हुए हैं तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आराम से बैक वैसी हो जाती है। तो गाइस अभी मैं इसके साइज का पाना लेने जा रहा हूँ क्योंकि घर पे है नहीं, आज तो इतना ऊपर नीचे हुआ है, थक गए। इस साइज का भी लेके आना है पाइप का, ये 17-18 का होगा मेरे ख्याल से, हो सकता है 16 का हो, पता नहीं, चलो लेट्स गो। सो हेलो गाइस वेलकम बैक, मैं पांचवी बार जा रहा हूँ क्योंकि जो इसकी स्टील वाली ये थी पीछे वाली ये फट गई थी, तो इसलिए अब ऐसी लोहे हुई है ना, ये जो ये वाली है नीचे वाली, ये हाँ ऐसी लेके आनी है। चलो वापस चलते हैं, लेके आते हैं, और अभी जरा चाय भी लेके आएंगे 5-6 कप, थोड़ा सुबह से काम कर रहे हैं, थोड़ा तो चाय बनता ही है।
चलो हसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। सो हेलो गाइस, आई बॉट टी, अभी चाय आ चुकी है, थोड़ी चाय वाय पियेंगे फिर वापस साफ सफाई पे, एक सेकंड, फिर वापस साफ सफाई पे लग जाएंगे। हाय मेरा कट गया। तो गाइस फाइनली वी आर होम, मम्मा की तबीयत खराब है तो हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मैं वो खाने है वो उसमें नहीं लेना चाहता बिकॉज इट इज अनअप्रोप्रिएट। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला दिखाता अनअप्रोप्रिएट जो हम खाने जा रहे हैं, तो इसीलिए आज के ब्लॉग के लिए ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर के लिए। ये चल, ओ, चल, 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 च